प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है ऑल डे एफिशिएंसी एंड कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। पिछले वीडियोस में हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकाला था, ट्रांसफार्मर की जनरल एफिशिएंसी क्या होता है। इस वीडियो में हम मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए वो कंडीशन निकालेंगे। एक नई टर्म है ऑल डे एफिशिएंसी, तो ऑल डे एफिशिएंसी के बारे में बताएंगे। उससे पहले आपसे एक बात करना चाहेंगे कि देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो हैं, यानी कि वो ट्रांसफार्मर्स जो स्ट्रीट्स में लगे हैं और उनका आउटपुट आपके घरों में आता है, उन ट्रांसफार्मर्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर्स हैं, इनका लोडिंग जो है बड़ा वेरी करता है। पीक आवर्स में 100% लोडेड होते हैं और कई बार तो ओवर लोडेड भी होते हैं। और जब पावर की रिक्वायरमेंट कम होती है, स्पेशली लेट नाइट में, नाइट में या मॉर्निंग में, तो लोडिंग बहुत कम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इन ट्रांसफार्मर्स की डिज़ाइन किस तरह से करें, क्योंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर जहाँ होती है तो ऐसा कोई फिक्स तो लोडिंग इसमें है नहीं, वेरिएबल लोडिंग है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स के लिए ऑल डे एफिशिएंसी का कंसेप्ट आया है, और ऑल डे एफिशिएंसी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इन 24 आवर्स, 24 घंटे में आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी का जो अनुपात है वही ऑल डे एफिशिएंसी कहलाता है। तो ये पावर में नहीं बल्कि ये ऊर्जा में है। तो किस तरह से कह सकते हैं ऑल डे एफिशिएंसी, ऑल डे एफिशिएंसी आउटपुट किलोवाट आवर एनर्जी ना इन 24 आवर्स डिवाइडेड बाई इनपुट किलोवाट आर इन 24 आवर्स। तो 24 घंटे के अंतराल में जो ऊर्जा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ने जो आउटपुट में दी, वो ऊर्जा और इनपुट में जो ऊर्जा आई, उसी के अनुपात को हम ओल्ड एफिशिएंसी कहते हैं। चलिए अब कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, इसके ऊपर मैं बात कर लें। एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप लोग जान चुके हैं, पिछले कुछ वीडियोस में हमने इसके ऊपर बात करी थी। तो चलिए आपके लिए इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। तो एफिशिएंसी, फुल लोड एफिशिएंसी की अगर बात करें तो उसका फॉर्मूला था फुल लोड के लिए मल्टीप्लाइड बाई पावर फैक्टर डिवाइडेड बाई फुल लोड के वी ए मल्टीप्लाइड बाई पावर फैक्टर प्लस आयरन लोसेस प्लस कॉपर लोसेस। ये हमने फॉर्मूला जो हमारे फुल लोड एफिशिएंसी का था ट्रांसफॉर्मर का, उसका डिराइव किया था। अब फुल लोड के वी ए की अगर हम बात करें तो देखिए, V1 I1 आपका फुल लोड के वी ए है, यानी कि इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई इनपुट करंट। इसी तरह से V2 I2 भी। तो हम अगर ये कहें कि भाई आउटपुट साइड की अगर हम बात करें, तो आउटपुट साइड में वोल्टेज V2 हुआ, करंट I2 हुआ, तो V2 I2 cos phi क्या हो गया, cos phi 2 अगर बोले हैं मोर स्पेसिफिकली, phi 2 इज द एंगल बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट, तो ये आपकी आउटपुट पावर हो गई। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, V2 I2 cos of phi 2 डिवाइडेड बाय V2 I2 cos of phi 2 प्लस PI आयरन लॉसेस प्लस PC यानी कि कॉपर लॉसेस। तो कॉपर लॉस क्या होते हैं, कॉपर लॉसेस होते हैं I2 स्क्वायर R02। R02 क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू साइड टू, यानी कि आउटपुट साइड में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है प्राइमरी 1 एंड 2 का मिला के, वो R02 हो गया। तो ये हमारी एफिशिएंसी का फॉर्मूला हुआ। अगर इस फॉर्मूला में हम अगर I2 का भाग दे दें, हम कंडीशन निकालने वाले हैं, तो I2 का अगर भाग दें तो ये क्या हो गया, V2 cos phi 2 डिवाइडेड बाई V2
वी टू कोस फाइव टू, आई टू से डिवाइड होके वी टू कोस फाइव टू बच गया, प्लस पी आई डिवाइडेड बाई आई टू प्लस आई टू आर जीरो, ये हुआ। ये एफिशिएंसी मैक्सिमम हो इसके लिए क्या चाहिए, ये डिनोमिनेटर मिनिमम हो। ये एफिशिएंसी अगर मैक्सिमम हो तो इसके लिए क्या कंडीशन हमको चाहिए कि ये डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए, और ये मिनिमम हो इसके लिए क्या कंडीशन होगी। अब देखिए गिवन पावर फैक्टर और आउटपुट वोल्टेज के लिए, फॉर ए गिवन आउटपुट वोल्टेज एंड पावर फैक्टर, वेरिएबल क्या हो गया, करंट हो गई, कौन सी, आउटपुट करंट। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू आई टू, यानी कि वेरिएबल हमारा हुआ आउटपुट करंट, और उसको जीरो के इक्वेट कर दें तो क्या हो जाएगा, वो हमारे ये मिनिमम की कंडीशन आ जाएगी, यानी कि ये डिनोमिनेटर मिनिमम हो इसकी कंडीशन मिल जाएगी हमें। तो अगर हम ये कहें कि आपका डिनोमिनेटर क्या है, ये है, तो डिनोमिनेटर आपका, डिनोमिनेटर अगर ये कहें वी टू कोस ऑफ फाइव टू प्लस पी आई अपॉन आई टू प्लस आई टू आर जीरो, ये हमने अलग से लिख लिया, यानी कि डिनोमिनेटर हुआ, ये हुआ, ये मिनिमम हो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को यानी कि डिनोमिनेटर को आई टू के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे, और वो रिजल्ट जो है उसको हम जीरो के इक्वेट कर देंगे, तो जो कंडीशन आएगी वो हमारे इसके लिए क्या आएगी, मिनिमम के लिए आएगी, एक तरह से इसके मिनिमम के लिए आएगी, यानी कि ये डिनोमिनेटर के मिनिमम के लिए, ये मिनिमम के लिए कंडीशन आ गई, मतलब एफिशिएंसी के मैक्सिमम की कंडीशन हमको पता चल जाएगी। तो चलिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, आई टू के सापेक्ष डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट किया, तो ये क्या हो गया, देखिए फॉर ए गिवन वी टू एंड फाइव टू, यानी कि दोनों कॉन्स्टेंट हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आई टू क्या हो गया, जीरो हो गया। ये जो है पी आई डिवाइडेड बाई आई टू, इसका क्या हो गया, ये हो गया माइनस पी आई डिवाइडेड बाई आई टू स्क्वायर, जैसे कि होता है ना एक्स रेस टू माइनस वन का अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहें तो क्या होता है, माइनस एक्स माइनस एक्स टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर करना चाहें, तो वही चीज है यहाँ। इसके बाद में थर्ड टर्म जो है, थर्ड टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, आई टू आर जीरो टू, तो प्लस आर जीरो टू, और जैसा कि आपको बताया था इसको हमको किसके इक्वेट करना है, जीरो के इक्वल करना है, तो यहां से क्या आ गया, पी आई डिवाइडेड बाई आई टू स्क्वायर इज इक्वल टू आर जीरो टू, या फिर ये होगा पी आई इज इक्वल टू आई टू स्क्वायर आर जीरो टू आर जीरो। अब आप देखिए यहां साफ साफ आपको पता लग रहा है कि भाई पी आई आयरन लॉसेज जब किसके बराबर होंगे, कॉपर लॉसेज के, ये कॉपर लॉसेज है, तो उस समय हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, यानी कि ये कंडीशन जो है ये हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन हुई। याद कीजिए जिस तरह से हमने डीसी जनरेटर या मोटर की एफिशिएंसी निकाली थी, तो वहां पर भी यही था कि आपके कांस्टेंट लॉसेज जब वेरिएबल लॉसेज के बराबर होते हैं तो उस समय मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। तो इसी तरह से ट्रांसफॉर्मर में भी जब कांस्टेंट लॉसेज किसके बराबर होते हैं, वेरिएबल लॉसेज के, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी हमको मिलती है। अब हम बात करते हैं आउटपुट के लिए कोरिस्पोंडिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो आउटपुट के लिए कोरिस्पोंडिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी, अभी हमने कंडीशन निकाली कि आयरन लॉसेज कॉपर लॉसेज के बराबर होते हैं तो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, तो उस मैक्सिमम एफिशिएंसी पर आपका कोरिस्पोंडिंग केवीए आउटपुट केवीए क्या होगा उसकी हम बात कर रहे हैं।
तो यहां पर मान लीजिए जैसे कि हमने देखा कि पी आई क्या था, आयरन लॉसेस, आयरन लॉसेस, पी सी कॉपर लॉसेस, और अगर हम ये मान लें कि एक्स कोई फ्रैक्शन है तो ये फ्रैक्शन उस फ्लोट के वे से मल्टीप्लाई होता है, तो वो जो वैल्यू आएगी हमारी क्या आएगी, आउटपुट के लिए कोरिस्पोंडिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो अगर हम ये माने फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड के लिए एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर, एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर, ये हमने माना है। तो देखिए जब फ्रैक्शन की बात करें, हमारा फुल लोड के लिए वी टू आई टू है, तो इसका एक्स फ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स वी टू आई टू। अब वी टू तो हमारा कांस्टेंट है, वी टू तो कांस्टेंट है, तो ये फ्रैक्शन बेसिकली किसका हो रहा है, आई टू का। तो वी टू एक्स आई टू, यानी कि आई टू एक्स टाइम्स आई टू, यानी कि x less than 1 है, फ्रिक्शन की हम बात करें तो x less than 1 है, तो हमारा ये x i2 हो गया। तो PC जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये x i2, यानी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर हो रही है, मान लीजिए x पर हो रही है, x फ्रिक्शन पर हो रही है, तो ये दिस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर जीरो, तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर i2 स्क्वायर आर जीरो। तो ये पीसी कौन सा है, ये पीसी वो है जहां पर कि आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर हो रही है। तो अब आप देखिए ये हमारा जो है ये कॉपर लॉस है कोरिस्पोंडिंग टू मैक्सिमम के लिए ना, तो मैं सॉरी फुल लोड के लिए। तो अब आप देखिए कि हमारा पी आई जो है ये किसके बराबर होगा, पीसी के बराबर, यानी कि आपका जो PC जो है एक तरह से ये क्या हो गया, x स्क्वायर PC हो गया, और ये PC कौन सा है, ये मैक्सिमम एफिशिएंसी के कोरिस्पोंडिंग है ना। तो PI क्या हो गया, x स्क्वायर PC, तो x क्या आ गया, यानी कि वो फ्रैक्शन हमको मिल गया, x क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ PI डिवाइडेड बाय PC, ये फ्रैक्शन हमको मिल गया। तो उस केवीए की अगर हम बात करें, किस केवीए पर, सीधी सी बात है फुल लोड केवीए को एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फुल लोड केवीए एक्स इज इक्वल टू फुल लोड केवीए मल्टीप्लाइड बाय पी आई, यानी कि आयरन लॉसेस डिवाइडेड बाय पीसी, पीसी चाहे तो आप आई टू स्क्वायर आर जीरो टू लिख सकते हो। तो ये हमारा जो है आउटपुट के लिए आ गया कोरिस्पोंडिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी। थैंक यू।